भाजपा, नरेंद्र मोदी शर्म करो, ये दबाव कम करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो। हाय रघुपेंद्र, हाय 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 रे मोदी, हाय 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 रे भाजपा, हाय 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 रे मोदी, हाय हाय। पेट्रोल का भाव कम करो, डीजल का भाव कम करो, हाय रे भूपेंद्र, हाय 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 रे मोदी, हाय हाय। मोदी अमित शाह शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। मोदी अमित शाह शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। नरेंद्र मोदी हाय 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 रे भूपेंद्र, हाय हाय बेटा, डिटेन करके ले गए सभी को, यानी ये महंगाई के विरोध में सरकार को केंद्र सरकार और राज्य जमालपुर AIMIM काउंसिलर जी, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट ये भाजपा सरकार की दादागिरी है। आज ये महंगाई के विरोध के अंदर हमारा जो जुलूस निकला है और इसके सामने प्रोटेस्ट है। लोकशाही का जो हमको अधिकार दिया है वो अधिकार से हम इसे विरोध कर रहे हैं। क्या क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड ये है कि जो डीजल पेट्रोल और खाने दूध के साथ तेल के सबके जो भाव बढ़े हुए वो कम करे, इसलिए हमारी डिमांड यही है। डिमांड तो ये तुम आगे आ जाओ तो डिमांड आ जाएगी। कहाँ बताओगे? कुछ नहीं आएगा, दूध पे रोज दाम बढ़ रहे हैं, दवाइयों पे दाम बढ़ रहे हैं, दालों पे दाम बढ़ रहे हैं, तेल पे दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ऐसा है जो तकिया लगा के आज सो रहे हैं। स्मृति ईरानी कहाँ है? आज वो बाबा रामदेव जो निकले थे कहने के लिए देश को पूरे देश की बेकारी को दूर करेंगे, मोदी राज आएगा, मोदी शासन आएगा। आज मोदी राज और मोदी शासन के अंदर देश की हालत खराब हो गई है। मोदी ने पूरे देश को बेच के भी अपना देश नहीं चला पा रहे। GDP आज गिर गई है, आम जनता परेशान है, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री की नींद खराब नहीं हो रही है। तकिया लगा के सो गए, 10-10 लाख का वो सूट पहनने वाले इंसान आज अपने देश की जनता को मरता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कुछ एक शब्द नहीं कह रहे। जनता के अंदर उनका आगे खड़ा रहना चाहिए, उनकी तकलीफ को समझ के। जब उनको सत्ता हासिल करनी थी तो वो कह रहे थे कि हम पब्लिक के साथ है, और आज कहाँ चले गए? सत्ता आते ही सारे उल्टे कायदे कानून सब हो गए। आज पूरा देश का संविधान खतरे में, देश खतरे में। हर बात को ये लोग मुसलमान के ऊपर ले जाते हैं, लेकिन पब्लिक को ये समझ में नहीं आता कि हम खामोश कर रहे हैं। हमें ये बात को ना सोचते हुए महंगाई के सामने जंग लड़नी है। हमारे संविधान में हमको हक है कि हम संविधान के अंदर रहते हुए एहतजाज करें, ये चीज का सामना करें। आज पुलिस हमारे बंदों को लेके गई है, हमें प्रोटेस्ट करने भी नहीं दिया जा रहा है। इस चीज की हम मुखालिफत करते हैं और मोदी के सामने आज हमारी जंग है। AIMIM जब तक है, जब तक है अरे भाई उतार तो हम हवा खाली जाने एक बाजू